आफ्टरनून। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो बेटा ये जो लेक्चर है ये आपके इनकम टैक्स अमेंडमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर है जो कि नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2020 में कौन से असेसमेंट ईयर का प्रोविज़न लग रहा है, आप सभी को पता है। आप सभी के एग्ज़ाम में AY 2021 के प्रोविज़न एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब आप सभी के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट लागू हो जाते हैं जो कि बजट 2019 में आए होते हैं। तो अब जो भी अमेंडमेंट आपके ऊपर लागू हुए AY 2021 के, सबसे पहली बात मैं बता दूं, जितने भी अमेंडमेंट AY 2021 में हुए हैं वो मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर ही बता दिए हैं, यानी कि सारे अमेंडमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनकम टैक्स के केवल अब वही अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं करे ड्यूरिंग द क्लासेस। बाकी जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि AY 2021 के लिए रिलेवेंट है हमारे लिए। आपको पता होगा TDS में जो चेंजेस है मैंने आपको बताया, GTI के डिडक्शन में आपको मैंने दो तीन नए सेक्शन बताए थे जो इसी साल से आए थे। ठीक है, तो आपका जो इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया होता है उसके अंदर एक से क्लोज है 918 जो कि कहता है, जो कि अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को कैश गिफ्ट देता है तो उसे डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। तो ऑल द रिलेवेंट अमेंडमेंट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर लेक्चर्स। तो आप जो भी पढ़े हो सब अमेंडेड ही है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है इनकम टैक्स के लिए। और इनकम टैक्स बेटा सालाना अमेंडमेंट होते हैं तो इनकम टैक्स में क्या ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, जो मई 2020 के कानून है वही नवंबर 2020 के कानून है। तो ज़्यादा चेंजेस इनकम टैक्स में आते हैं वो मई 2021 के लिए आएंगे। तो आप सभी के लिए नवंबर 2020 में जो भी अमेंडमेंट थे वो पुराने वाले ही हैं, पर एक पुराना अमेंडमेंट मैंने लेक्चर के दौरान आपको पढ़ाया नहीं था, तो उसी के लिए मेनली मैं आपको वो लेक्चर यानी कि ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वो अमेंडमेंट जो है वो टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड अमेंडमेंट है और जो बहुत काम का है। मेरे को 100% विश्वास है कि इस एग्जाम में इस अमेंडमेंट का एक क्वेश्चन तो पक्का आना है, एग्जाम के अंदर 100% आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ये भी श्योर हूँ मैं। तो ये जो अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 100% आएगा इस एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, शत प्रतिशत है आपको चैलेंज के साथ मेरे को लग रहा है कि 100% आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर तो सर एक ही अमेंडमेंट है क्या टोटली AY 2021 में? तो बेटा आपने ऑलरेडी AY 2021 के ही प्रोविजन पढ़े हैं, तो अमेंडमेंट एक नहीं है, बहुत सारे हैं, पर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, तो ऑलरेडी अमेंडमेंट आपने पढ़ रखे हैं, तो सर इसका मतलब आप अभी क्या पढ़ाने वाले हो, वो एक आध अमेंडमेंट जो अपन ने ड्यूरिंग द डिस्कशन डिस्कस नहीं किया था उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये मैं इसलिए भी अलग रखा था इसको क्योंकि इसको मैं स्पेशल तवज्जो के साथ आपको पढ़ाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट अभी अभी आया है, पहले ही आ चुका था, मई 2020 के लिए आ चुका था, मैं पढ़ा सकता था पहले भी, पर मेरे को उस समय पढ़ाने का इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे को इस पर स्पेसिफिक आपका तवज्जो देना था। तो बच्चों को अगर अलग से ये लेक्चर मिल जाएगा तो उनको फोकस रहेगा कि भैया ये तो मेरे को ध्यान से पढ़ के जाना है, ध्यान से समझ के जाना है, तो इसीलिए इसको अलग रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, यानी कि आपके लिए कम से कम 2 नंबर 4 नंबर का टॉपिक है, 2 से 4 नंबर का टॉपिक है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चालू करते हैं। अमेंडमेंट बेटा जो है वो टैक्स रेट से रिलेटेड है। सर टैक्स रेट है आपने हमको बताई है, 2.5 लाख वाली, 3 लाख वाली, 5 लाख वाली, सरचार्ज, रिबेट, सब तो आपने बता दिया। क्या वो आपने पिछले AY की बताई थी जो आप इसमें चेंजेस करवा रहे हो? तो जवाब है नहीं बेटा, मैंने जो आपको रेट्स बताई थी इनकम टैक्स की वो AY 2021 की बताई थी। आप देखना मैंने कॉपी में भी लिखवाया था कि रेट आर फॉर AY 2021। तो टैक्स रेट में आपको अगर पता हो तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि AY 2021 से सरचार्ज की रेट में चेंजेस आए थे बेटा, अगर आपका ध्यान हो तो। जो स्लैब रेट वाले लोग होते हैं, सर स्लैब रेट वाले कौन होते हैं बेटा आपको पता होना चाहिए, स्लैब रेट वाले कौन होते हैं? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल पर्सन, ये सभी स्लैब रेट वाले होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं स्लैब रेट वाले। तो अगर आपको पता हो तो स्लैब रेट वालों के लिए AY 2021 की सरचार्ज की रेट कुछ ऐसी थी। अगर इनकम, मैं रफली लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूँ, अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो याद है आपको सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ द टैक्स। 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, तो सरचार्ज लगेगा 15% ऑफ द टैक्स। 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो सरचार्ज लगेगा 25% ऑफ द टैक्स। और फोर्थ और फाइनल है, 5 करोड़ से भी ज्यादा की अगर आपकी टोटल इनकम है तो सरचार्ज लगता है बेटा 37% ऑफ द टैक्स। तो
तो याद होगा आपको, ये सरचार्ज की रेट है स्लैब रेट वालों के लिए AY 2021 के लिए, ये अमेंडेड हुआ था। सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो सरचार्ज की रेट है ये AY 1920 में नहीं लगती थी क्या? हाँ बेटा, AY 1920 तक सरचार्ज था तो सही, पर सरचार्ज की रेट AY 1920 के लिए केवल दो ही हुआ करती थी, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तक में 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा पे 15%। अब 1 करोड़ से ज़्यादा जितनी भी हो 15 ही था, यानी कि केवल दो ही सरचार्ज की रेट थी, यानी कि वी कैन से कि AY 1920 तक मैक्सिमम सरचार्ज 19% ही लगता था। तो यानी कि ये जो दो सरचार्ज के स्लैब आए हैं वो अभी रिसेंटली इसी ईयर से आए हैं, दैट इज़ AY 2021 से, रिसेंटली इसी ईयर से आए हैं, दैट इज़ AY 2021 से। सर रिसेंटली इसी ईयर से आए हैं का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो 25 और 37% वाला केस आप पढ़ रहे हो ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले पहले केवल 15% वाला केस हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल से आप ये मेरी बात समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आता है इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब क्या लफड़ा है कि अगर सरचार्ज की जो रेट है वो AY 2021 में दो प्रकार से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो बेटा हुआ क्या कि जब बजट देना था हमारे वित्त मंत्री जी को, वित्त मंत्री वही हैं जो अभी उन्होंने रिसेंटली भाषण में कहा था कि भारत में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है 100 साल की सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी है, तो उसका रीज़न है एक्ट ऑफ द गॉड, तो उन्होंने ये लैंग्वेज यूज़ करी, एक्ट ऑफ गॉड के कारण ये स्लो डाउन है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, व्यक्तियों को जूझना पड़ेगा, उनकी नौकरी जाएगी तो जाएगी, लोग आत्महत्या करेंगे तो करेंगे, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, तो हमारी वित्त मंत्री जी ने ये बोला था। तो हमारी वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश करा था 2019 के अंदर, तो लाल कलर का रजिस्टर लेके आई थी वित्त मंत्री जी, लाल कलर का बही खाता पोता, उस बही खाते में उन्होंने अमेंडमेंट करा था 2019 का, यानी कि पिछले साल के बजट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, सरचार्ज की रेट बढ़ा दी। जैसे ही सरचार्ज की रेट बढ़ी, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है उसी दिन मार्केट में 3-4% का मार्केट क्रैश हो गया था, मार्केट डाउन हो गया था लगातार, इक्विटी मार्केट में बहुत मंदी आई थी, क्योंकि ये सरचार्ज की रेट उन लोगों को प्रताड़ित करने वाली थी जो लोग शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो बेटा देखो, हम जैसे टुटपुंजे लोग तो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट हिला नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है, पर जो FII और DIIs लोग होते हैं, अब यही मैं आपको कहता हूँ कि CA बंदों को ये सब पता होना चाहिए कि कौन होता है FII, कौन होता है DIII। FIA का फुल फॉर्म होता है बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, याद है कैपिटल गेन में भी अपन ने इस वर्ड के बारे में सोचा था, और DIA को कहते हैं बेटा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हुआ क्या कि सरकार जब बजट लेके आई तो सरचार्ज की रेट बढ़ा दी, ठीक है बढ़ गई रेट, सरचार्ज ने यानी कि सरकार ने सोचा ही नहीं कि सरचार्ज आने से स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अब देखो बेटा, सरचार्ज आने से क्या होता है, बेटा मान लो एक आदमी है जो कि बिजनेस वगैरह करके नॉर्मली बिजनेस वगैरह नॉर्मल जो कैप स्टॉक मार्केट के अलावा की जो इनकम कमाते हैं, मान लेते हैं कि उनकी नॉर्मल इनकम 30-40 लाख रुपए की आती है। अब 40 लाख रुपए की इनकम आती है उसकी, तो वो तो सरचार्ज की रेट में नहीं आता, ठीक है 40 लाख रुपए की वो इनकम कमाता है, पर मान लो कि 2.5 करोड़ रुपए का वो LTCG कमा लेता है स्टॉक से रिलेटेड, तो बेटा अगर 2.5 करोड़ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा ले और 40 लाख उसकी अन्य इनकम हो, तो इसका मतलब बेटा उसकी टोटल इनकम 2.90 करोड़ में पहुंच जाएगी, ड्यू टू दैट उस कैपिटल गेन की इनकम पर सरचार्ज लग जाएगा, 2.5 करोड़ वाला स्लैब है तो सरचार्ज बेटा आपको टैक्स का 25% लग जाएगा, जबकि लास्ट ईयर तक मैक्सिमम सरचार्ज 15 ही था, यानी कि लास्ट ईयर तक अगर कोई बंदा LTCG कमा रहा था या कोई भी कैपिटल गेन कमा रहा था स्टॉक मार्केट से, तो उससे जो भी इनकम कमाता था भले कितने रुपए की इनकम हो उसके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज तो 15 ही लगता था, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर पे 15 की रेट थी, कितनी भी इनकम हो उसके ऊपर। पर अब तो 25 भी है 37 भी है, तो FII DIIs तो बेटा 5 करोड़ से ज्यादा की टोटल इनकम कमाते हैं। अब अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा की टोटल इनकम कमाते हैं, जो HNI इन्वेस्टर होते हैं, HNI मतलब जो अभी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानना चाहूँगा, तो बेटा हुआ क्या स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव खबर आ गई, लोगों ने ये खबर आते ही मार्केट को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सका, क्योंकि इट इज़ ए नेगेटिव न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट। तो जैसे ही ये खबर आई स्टॉक मार्केट हिट हो गया, ठीक है, फिर वित्त मंत्री जी को याद आया कि अगर स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाएगा तो हमारे जो खास आदमी हैं मुकेश अंबानी जी, अडानी जी,
उन जैसे जो शेयर होल्डर यानी कि जो उनकी कंपनी, अगर उनके शेयर क्रैश होने लग गए हैं तो हम कैसे उनको तरक्की करवाएंगे? क्योंकि सरकार का आज की तारीख में पैमाना क्या है, लोगों के पास रोजगार हो या ना हो, कुछ हो ना हो, सरकार क्या बोलती है, भैया देखो आप बोल रहे हो इकोनॉमी में मंदी है, देखो स्टॉक मार्केट तो ऊपर चल रहा है। जैसे अभी भी देखे हो तो स्टॉक मार्केट तो ऊपर है, जबकि स्लो डाउन इतना है कि आप खुद नहीं सोच सकते। मेरे ख्याल से आप भी समझते होंगे कि स्लो डाउन कितना है अभी भारत के अंदर। तो सरकार के लिए एक ही पैमाना है, स्टॉक मार्केट को बढ़ा के रखो तो कोई भी उंगली नहीं उठाएगा कि इकोनॉमी में मंदी है। ये सरकार का सोचना है। सरकार ने जब ये सोचा, अरे यार हमने तो गड़बड़ कर दी, हम ये 25 और 37% वाला कानून लेके आ गए हैं, ये जो निवेशक लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, ये लोग तो परेशान हो जाएंगे, और ये तो ये टैक्स इतना इंक्रीज होगा तो ये तो पैसा निकाल लेंगे अपना स्टॉक मार्केट से, इतना टैक्स अगर हम लेंगे तो। इस कारण से तो एक ही नुकसान हो जाएगा, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट की टेंशन के लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। बजट में तो बोल दिया कि भैया 25-37 लगने वाला है, फिर बाद में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट क्या किया, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है जो आपको सुनना है। इन्होंने बोला अमेंडमेंट में कि स्टॉक मार्केट से जो आप पैसा कमाओगे, दैट इज दो कैपिटल गेन। एक तो बेटा आपको पता है LTCG अंडर सेक्शन 112 है, दो प्रकार की इनकम ही तो होती है ना, LTCG अंडर सेक्शन 112 हो जाएगा एक तो, और एक आपके सामने इनकम हो जाती है STCG अंडर सेक्शन 111 है। तो बेटा जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है वो दो टाइप की इनकम कमाता है। डिविडेंड की बात अभी नहीं करी इन्होंने, क्योंकि डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट होता है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं होती थी। तो मेनली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग दो कैपिटल गेन कमा रहे थे। अच्छा सर कौन कौन से दो कैपिटल गेन? ऑब्वियसली LTCG या STCG। स्टॉक मार्केट में आप अगर लिस्टेड शेयर बेचोगे खरीदोगे तो अगर LTCG होगा तो 112A में जाता है, 10 लाख, 1 लाख से ऊपर पर 10% टैक्स, और STCG होता है तो 111 वाला आपका 15% टैक्स कहता है। दो सेक्शन में इनकम होती है, ठीक है, बढ़िया बात है, याद होगा आप, दोनों सेक्शन में इनकम होती है। सरकार ने अमेंडमेंट क्या बोला, सरकार ने बोला अगर इन दोनों के कारण आपकी कुछ इनकम हुई तो इस इनकम का जो टैक्स बनेगा वीकेंड से, इस इनकम पे जो टैक्स बनने वाला है उस टैक्स के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लेंगे। यानी कि उन्होंने 25 और 37% वाले सरचार्ज की रेट को दो इनकम पर लागू करने से मना कर दिया। कौन से दो इनकम? LTCG 112 है और STCG 111 है। अच्छा सर इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि बाकी अगर कोई इनकम है तो उसके ऊपर तो 25-37 का क्राइटेरिया लगाना है, पर इनके ऊपर नहीं लगाना है? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। ये इनकम अगर आपकी हुई, मान लो प्रीवियस ईयर 1920 में आपने केवल LTCG 112A का कमाया, 10 करोड़ कमाया और कुछ नहीं कमाया। अब टेक्निकली बैठा जाए तो अगर बेटा आप LTCG 112A का 10 करोड़ रुपए कमाते हो तो दैट मीन्स आपकी इनकम तो 5 करोड़ से ऊपर होगी टोटल इनकम। अब तो 37% वाले सरचार्ज के स्लैब में आने वाले हो ना, पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अपने 10 करोड़ का पहले टैक्स निकाल लो। कैसे निकालोगे 10 करोड़ का टैक्स? 10 करोड़ में से आप 1 लाख तो माइनस कर दोगे, क्योंकि 1 लाख से ऊपर भी 10% टैक्स लगता है, पता होगा आपको। तो 10 करोड़ में से 1 लाख माइनस करोगे, बाकी के बचे हुए अमाउंट पर आप 10% क्या लगा दोगे? टैक्स लगा दोगे, ठीक है। और वो जो टैक्स आएगा उसको आप सरचार्ज से इंक्रीज करना, पर 15% ही करना। क्यों सर 15 क्यों? आपने तो कहा था कि जो 5 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम हो जाती है अगर हमारी, तो 37% सरचार्ज लगता है। पर बेटा ये टोटल इनकम में जो इनकम इंक्लूड है वो LTCG 112A वाली है, और इस इनकम के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लग सकता है। ये आपको कहा है, दिस इज द अमेंडमेंट, जो कि आपको क्या रखना है ध्यान, सरचार्ज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के अंदर ये बहुत बड़ा ट्विस्ट पेश करने वाला है। अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा कि कैसे हमको करना है, तो आप बहुत ध्यान से सारे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। एक एक करके मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, एग्जाम्पल वही है जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं अपने अमेंडमेंट्स के अंदर। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखता हूँ, मैं टैक्स निकाल के एक का बता दूंगा बेटा, बाकी सब मैं तरीका बता दूंगा। तो जैसे मानते बेटा, मान लो आपकी इनकम हुई है, वही 1920 की इनकम ही लिख रहा हूँ और केस में, मान लो आपने STCG कमाया 111A वाला 30 लाख का, आपने LTCG कमाया 112A वाला 25 लाख का। अब बेटा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता होना चाहिए 112A वाला जो कैपिटल गेन होता है उसकी कैलकुलेशन विदाउट इंडेक्सेशन होती है नंबर 1, और वो 1 लाख से ऊपर पे 10% टैक्स लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बेटा हमारे दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए मैंने 112A का LTCG कमाया, 5 लाख आ गया,
तो मैंने कैलकुलेट करा 5 लाख। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब मैं अपनी टोटल इनकम निकालूं तो 5 लाख लिखूं कि 4 लाख लिखूं, क्या 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है? अगर 1 लाख एग्जेम्प्ट है तो 4 लाख ही लिखूं, क्योंकि ऊपर अल्टीमेटली टोटल इनकम है तो वही इनकम लिखनी ना जिसपे टैक्स लगता है। तो बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग है, 112A ने ये नहीं कहा कि 1 लाख से ज्यादा की इनकम पर, 1 लाख की इनकम सॉरी एग्जेम्प्ट होती है, 1 लाख से ज्यादा पे टैक्स देना है, ये लैंग्वेज है। तो आपको क्या लिखना है, जब अपनी टोटल इनकम निकालोगे तो पूरे 5 लाख लिखना है, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो जितनी आपकी 112A की आएगी वो पूरे लिखना है, पर जब आप टैक्स निकालना चालू करोगे ना बाद में तो 5 लाख पे 10 मत निकालना, 5 में से 1 घटाना, फिर 4 लाख पे 10 निकालना। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा कि 112A की इनकम को शो कैसे किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 112A की इनकम को कैसे आप शो करेंगे अपनी टोटल इनकम कंप्यूटेशन के अंदर। वापस से मैं बोलता हूँ क्या करना है, जितना कमाया ऊपर पूरा लिखना, इनकम में पूरा लिखना, फोकट का अपनी होशियारी मत मारना कि ये वो फलाना ढिकाना जो भी है, जितना कमाया पूरा शो करना। वापस से कह रहा हूँ, जितना कमाया पूरा शो करना इनकम में, और बाद में जब टैक्स निकालो तो 1 लाख से ऊपर पे 10% निकालना। तो ये लॉजिक के साथ आपको चलना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें तो 111A का जो LTCG हो रहा है वो आपके सामने हो गया है 30 लाख रुपीस का, और 112A का LTCG हो गया है आपके सामने 25 लाख रुपीस का, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं बेटा आपकी जो अदर इनकम है, कुछ भी हो सकती है, BNP वगैरह की नॉर्मल जिसमें स्लैब रेट लग रही होगी, वो आपके सामने होगी 40 लाख। अब ये आपकी 3 इनकम होगी, पहले मैं तीनों इनकम की अगर टोटल करूं तो क्या होता है, 30 लाख प्लस 25 लाख प्लस 40 लाख, ये बेटा आती है आपकी 95 लाख। अगर ये आपकी टोटल इनकम है तो बेटा क्या आप नई सरचार्ज की रेट में पहुंच भी पा रहे हो, ये सोचो पहले आप, क्या 95 लाख अगर आपकी टोटल इनकम है तो क्या आप नई सरचार्ज रेट में पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि नई सरचार्ज की रेटों के लिए तो 2 करोड़ से ऊपर की टोटल इनकम में आप 25-37 में पहुंचोगे, यानी कि ये 95 लाख रुपए की टोटल इनकम अगर आपकी आती है तो आप फर्स्ट रेट में ही रह जाते हो, जो कि पुराने में भी था 10% वाला। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अमेंडमेंट काम नहीं आएगा, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, 30 लाख पे टैक्स निकाल लो 15%, 25 लाख में से 1 लाख पहले लेस कर दो, 24 लाख पे टैक्स निकाल लो 10%। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप करते रहना एग्जाम्पल में। और 40 लाख पे आपकी जो स्लैब रेट है उससे टैक्स निकाल लो, यहाँ तक काम हो जाएगा। अब जो भी टैक्स आएगा उस पूरे टैक्स पे बेटा आपको कितना परसेंट सरचार्ज होना है, 10। अब आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं करना, अलग अलग टैक्स के अलग सरचार्ज नहीं लगाना, पूरे पे आप इकट्ठा क्या कर लीजिए, 10% लगा दीजिए। क्यों सर? आप तो कह रहे थे कि जो 111 है और 112A है उसके ऊपर सरचार्ज की रेट 15 होती है, 15 फिक्स नहीं होती बेटा, मैंने बोला मैक्सिमम होती है। तो इस केस में तो आप 15 की रेट में ही नहीं पहुंचे, तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरे के पूरे टैक्स पे आराम से 10% निकाल लो, यानी कि आपको अमेंडमेंट से कोई मतलब नहीं है इस एग्जाम्पल के अंदर। तो ये आपका पहला केस हो गया। चलो करते हैं इसी को और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, एग्जाम्पल 2 चलते हैं। से एग्जाम्पल 2 में STCG 111A वाला है 60 लाख का, LTCG 112A वाला है 65 लाख का, और आपकी जो अदर इनकम आती है मान लीजिए वो 50 लाख की। अब देखो बेटा आपकी इनकम कितनी होगी, 60 प्लस 65 प्लस 50, ये होगी बेटा 175 लाख, दैट इज 1 करोड़ 75 लाख। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में आप करते हो तो आप 15 की रेट तक ही पहुंचोगे, अगेन आप 25-37 में नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से अभी भी कम आ रही है। तो अभी भी कुछ नहीं करना है, इस पर क्या करना, वही 15% टैक्स निकालना, इस पर क्या करना, 1 लाख माइनस करना, बचे हुए पर 10% निकाल लेना, इस पर आपकी स्लैब रेटों से निकाल लेना, निकाल लिया टैक्स, और इस टैक्स को कुछ नहीं करना है आपको, 15% सरचार्ज से जोड़ देना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, 15% जितना भी टैक्स है उसके ऊपर बिंदास निकाल लेना, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड। अभी भी कुछ नहीं करना, दोनों क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करा, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में आपकी टोटल इनकम पुराने कानून के हिसाब से ही चल रही है, अभी आप नई रेटों में आ ही नहीं है। अब ट्विस्ट आता है, अब मैं अगला एग्जाम्पल लिखता हूँ उस पर ध्यान देना, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में रखते हैं STCG 111A 54 लाख, LTCG 112A 55 लाख, एंड आपकी अदर इनकम बेटा हो गई है 2 करोड़ की। तो अब अगर आपकी टोटल इनकम मैं निकालूं
तो 54 लाख, 55 लाख और 3 करोड़ रुपए मिला दूं मैं अगर, एक करोड़ 9 लाख और 3 करोड़, ये हो गया जी बेटा 4 करोड़ 9 लाख, ये आपकी टोटल इनकम आ गई इस केस में। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब देखो, अगर आपकी टोटल इनकम बेटा 4 करोड़ 9 लाख आ जाएगी, तो इस सिचुएशन में आप 25% वाले सरचार्ज की रेट में पहुंच जाओगे। सर कैसे पहुंच गया 25% वाले सरचार्ज में? सीधी सी बात है बेटा, अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपके ऊपर 25% की रेट लागू हो जाती है। पता होगा आपको अच्छी तरह से, हो पता ही होगा अच्छी तरह से, बिल्कुल। तो ये आपके सामने की बातचीत हो गई, 25% की रेट आपके ऊपर लागू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करो। क्या काम है बताता हूँ आपको। करना क्या है, एक सेकेंड, क्या करना है बेटा आप सुनो ध्यान से। आपकी कितनी टोटल इनकम आ गई अभी? 4 करोड़ 9 लाख। अब आप क्या करोगे? देखो, पहले 54 लाख का टैक्स निकालो। टैक्स निकालने का तो काम नॉर्मल ही है, 15% जो भी आएगा। 55 लाख में से 1 लाख घटा दो, 10% टैक्स निकाल लेना। 3 करोड़ पे स्लैब रेटों से टैक्स निकाल लेना। निकाल लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब जब आपका टैक्स आएगा, तो आप सभी टैक्स की टोटल पे 25% निकाल लेना, बस यही ट्विस्ट है। अब आपको जो भी टैक्स आएगा ये सबकी टोटल का, इसका 25 नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि 111A और 112A की सरचार्ज की तो मैक्सिमम रेट ही 15 है। तो आपको करना क्या बेटा समझना, ये जो दोनों इनकम आएगी, इन दोनों इनकम का जो भी टैक्स बनेगा, 111A और 112A वाली इनकम का जो भी टैक्स बनेगा, उस पे सरचार्ज लगाना 15, और इस वाली इनकम का जो भी टैक्स बनेगा उस पे सरचार्ज लगाना 25। ये लॉजिक के साथ आपको करना है, तो ये जाकर आपका सरचार्ज आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इकट्ठा टैक्स का 25 मत करना। सर क्यों? 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक होता है, तो जितना टैक्स बनेगा उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगाना होता है। यही तो ट्विस्ट है ना। आपका जो इनकम में टैक्स बना, उसमें 111A और 112A वाली भी इनकम है, तो आपको क्या करना है, उस 111A और 112A की इनकम पर आपको लगाना है टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ही सरचार्ज लगाना है। उसका मैक्सिमम सरचार्ज ही 15 हो सकता है, और बाकी भी आपको 25 लगाना है। सर 15 क्यों, 10 ही लगा देता हूँ फिर? तो नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि आप 25 में आ रहे हो, तो अल्टीमेटली 15 तो देना ही पड़ेगा आपको, उससे कम तो चलेगा ही नहीं सरचार्ज। तो अब ये मत होशियारी मारना कि सर ये 54 और 55 की टोटल 1 करोड़ से ऊपर है, इसलिए क्या 15 लगा रहे हो बाई चांस इनकी रेट? नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं है। 25 की रेट में आप जब नॉर्मली पहुंच रहे हो, तो आपका जो उस इनकम का सरचार्ज है वो 15 से कम तो जा ही नहीं सकता, ये तो ध्यान रखने रखना। 15 से कम तो आप पिछली बार भी देते, अगर मान लो ये कानून चेंज नहीं होता, तो आपका जितना टैक्स आता 15 तो देते ही जी बच्चों, सोचो अच्छी तरह से। तो 15 तो देना ही पड़ेगा, बाकी भी आपको जो बचा वो 25 देना है, ऐसा कर दिया। ठीक है, और समझने के लिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। STCG 111A वाला है 50 लाख, LTCG 112A वाला है 65 लाख, अदर इनकम है आपकी 6 करोड़। अब अगर बेटा आप यहाँ पे अपनी टोटल इनकम देखोगे, तो देखो कितनी होगी, 6 करोड़, और फिर उसके बाद 1 करोड़ 15 लाख, दोनों की टोटल हो जाएगी 7 करोड़ 15 लाख की टोटल इनकम है। अब टैक्स निकालना है आपको, क्या करोगे? आप होते सामने तो शायद आप बताते, आप बोलोगे साहब 50 लाख में सर 15% निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। 65 में से 1 घटाएंगे, बचे हुए पे 10 निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। 6 करोड़ पे जो भी स्लैब रेटे होगी उससे टैक्स निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। अब ये सबकी टोटल कर लोगे, आपका टैक्स आ जाएगा। अब आप अगर इनकम को जज करते हो, तो 7 करोड़ 15 लाख के जो 5 करोड़ से ऊपर की इनकम, 5 करोड़ से ऊपर की इनकम पर सरचार्ज की रेट होती है 37%। क्या जितना भी टैक्स आएगा उसके ऊपर 37 लगा दोगे? नहीं लगाओगे। कैसे करोगे अब आप बताओ? इन दोनों इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर तो आप 15 लगा देना, और इस वाली इनकम का जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर आप 37 लगा देना। दैट्स इट। ऐसे करके आपको सरचार्ज निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर।
तो बेटा मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं मैं चाहूंगा कि आप इनको कंप्लीट करके एक बार आंसर शेयर करें मेरे साथ कि अपन ने कैसे करा। मैंने तरीका बता दिया है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में इतने भी इतना काम भी मैं करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, सबको आता करना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक ट्विस्ट वाला एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, फिर उसके बाद अपन गौर करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल पर फोकस करना। एग्जाम्पल नंबर 5, STCG 111A वाला है 60 लाख, LTCG 112A वाला है 55 लाख, और अदर इनकम बेटा आपकी होगी 1 करोड़ 10 लाख। अब बेटा ट्विस्ट देखना, इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आपकी जो टोटल इनकम आ रही है, देखो बेटा कितनी आ रही है, 60, 55, 60 लाख और 55 लाख हो जाते हैं, 1 करोड़ 10 लाख ही होते हैं शायद। साठ सौ हजार 1 करोड़ 15 लाख प्लस 1 करोड़ 10 लाख, ये हो जाएंगे बेटा 2 करोड़ 25 लाख। अब बड़ा ट्विस्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। अब 2 करोड़ 25 लाख, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक में, यानी कि 25% वाली इनकम में आ रहे हो आप, 25% सरचार्ज वाली रेट पर। अब कैसे निकालोगे, अब क्या करोगे, पहले टैक्स निकालो, वो तो निकालना आपको आता ही होगा, 15 इस पर निकाल लेना, 55 पर, ध्यान से सुनना, 55 में से पहले 1 घटाना, उसके ऊपर 10 निकाल लेना, और 1 करोड़ 2 लाख 10 लाख पे स्लैब रेटों से टैक्स निकाल लेना, ये आपका टैक्स आ गया। ठीक है, अब ट्विस्ट आता है, क्योंकि आपकी इनकम 2 करोड़ 25 लाख से ऊपर है तो इन दोनों इनकम का जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर तो 15% सरचार्ज। चलो ठीक है, इसका सरचार्ज तो क्लियर हो गया, इन दोनों इनकम के टैक्स का सरचार्ज तो 15% हो गया। अब इस वाली इनकम के टैक्स का जो सरचार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्यों पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन बेटा, देखो अगर मैं इस इनकम को देखता हूं, अदर इनकम को 1 करोड़ 10 लाख, तो ये इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आती है, जब जहां पे सरचार्ज की रेट 15 होती है, समझ गए क्या अच्छी तरह से। और अगर मैं टोटल इनकम के हिसाब से देखूं तो 2 करोड़ 25 लाख तक आप पहुंच रहे हो, तो अल्टीमेटली सरचार्ज की रेट 25 वाली आपके ऊपर होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अदर इनकम, जैसे इस एग्जाम्पल में तो बैठा देखो आप अच्छी तरह से, अदर इनकम ही 6 करोड़ थी तो सरचार्ज की रेट 37 होगी, इसमें अदर इनकम 3 करोड़ थी, 2 करोड़ से ऊपर थी तो सरचार्ज की रेट 25 होगी। यहां पे ट्विस्ट क्या है, अदर इनकम 1 करोड़ 10 लाख है पर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर आ रही है, तो इस 1 करोड़ 10 लाख का जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर सरचार्ज क्या लगाए, 15 लगाए कि 25 लगाए। तो बेटा जवाब सुन लो, इसके ऊपर भी आपको सरचार्ज कितना ही देना पड़ेगा, 15 ही देना पड़ेगा, इसके ऊपर 15 ही लगेगा, क्योंकि ये 2 करोड़ से नीचे की अदर इनकम आई है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी आपको 15 ही देना पड़ेगा। फिर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो यूनिक 1 करोड़ 10 लाख पे 25% सरचार्ज दे दो। दिस इज द ट्विस्ट, बहुत ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। सर पहले तो आपने अदर इनकम पे 37 और 25 लगाया, बेटा उसमें मेरी अदर इनकम थी 37 और 25 की रेट जितनी, 6 करोड़ है तो 5 करोड़ से ऊपर की अदर इनकम है तो 37 ही लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। इस वाले में मेरी अदर इनकम 3 करोड़ है तो सरचार्ज की रेट फिर उसमें लगानी ही कितनी पड़ेगी, 25%। पर यहाँ पे मेरी अदर इनकम 2 करोड़ से नीचे आ रही है, भले टोटल 2 करोड़ से ऊपर है, तो अल्टीमेटली उस 1 करोड़ का जो सरचार्ज बनेगा वो भी 15% ही बनाना है। तो ये आपको ट्विस्ट ध्यान रखना है, इस पे तो मैक्सिमम गाड़ी 15 पे रुकनी है और इसका भी टैक्स का सरचार्ज भी 15 ही बनेगा, तो ये आप अच्छी तरह ध्यान रखना। दिस इज द मेन लास्ट एग्जाम्पल जो आपको क्या रखना है ध्यान, आराम से जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं बना लीजिए। मेरे ख्याल से हर इस एग्जाम्पल में सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी है मैंने कि क्या और कैसे करना है आपको। तो ये है आपका एक मेन चेंज जो कि नवंबर 20 के लिए आपको ध्यान रखना है, बाकी अमेंडमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ तो इसीलिए उसके ऊपर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। एक अमेंडमेंट बेटा वैसे मैंने ग्रुप में भेजा था, पर अगर आपको याद नहीं हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैंने एक अमेंडमेंट आपको बताया था, कार की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में जो चेंज आया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वापस से बता देता हूँ अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया हो। आपको याद हो तो BNP की इनकम निकालते समय हम कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, दो टाइप की रेटें हमारे सामने होती है, एक होती है 15 और एक होती है 30। ऐसी गाड़ियां जो किराए पे चलाने के बिजनेस में आप यूज करते हो जैसे बसें लॉरी टैक्सी वगैरह, उस पर तो 30 लगता है और बाकी नॉर्मल कारों के ऊपर आपका 15 लगता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, जो नॉर्मल कार है ना आपकी, नॉर्मल मतलब सर कौन सी वाली, टैक्सी के अलावा जो किराए पे चलाने के अलावा वाली गाड़ियां, नॉर्मल कार है जो आपकी, अगर आपने उन गाड़ियों को 28, 28 नहीं है, 23/8/2019 से लेकर 31/3/20 के बीच में खरीदा है, बस इसी टाइम पे खरीदा है, सर ये टाइम में ऐसा क्या खास है,
ये टाइम बेटा वो टाइम था जब आपको याद हो तो सारी की सारी गाड़ियां ऑटो सेक्टर तबाह हो चुका था। वैसे तो अभी भी तबाह ही है, ऑटो सेक्टर में कोई दम नहीं है अभी भी, पर ऑटो सेक्टर का मतलब है कि गाड़ियां बिकने ही बंद हो गई थी, लोग गाड़ियां खरीद ही नहीं रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ने गाड़ी को बिकवाने के लिए एक मोटिवेशन दिया लोगों को, और वो मोटिवेशन दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर चेंजेस करके। तो उन्होंने क्या चेंज करा, उन्होंने बड़ा सिंपली एक चेंज करा, उन्होंने बोला कि भैया अगर कोई कार आपने इस तारीख के बीच में खरीदी, टैक्सी के अलावा वाली नॉर्मल कार है, तो उसकी रेट वैसे तो 15 है ना, पर हम इन खरीदी की कारों पे 30 की रेट से डेप्रिसिएशन देंगे। तो सरकार को ऐसा लगा कि भैया अगर डेप्रिसिएशन की रेट बढ़ा देंगे तो BNP में डिडक्शन ज़्यादा मिल जाएगा SSC को, चक्कर में हो सकता है वो कारें खरीदें, गाड़ियाँ खरीदें, इसलिए रेट बढ़ा दी। और इसी पीरियड में अगर आप वो हायर वाली गाड़ियाँ खरीदते हो, ये वैसे मैं मॉइस में से बताया था आपको, वही पीरियड सेम ही है, 23/8/19 से लेकर 31/3/20 के बीच में, तो फिर उस सिचुएशन में जो रेट लगेगी ना बेटा, वो लगने वाली है 45%। तो ये आपको रेट लगानी है सर। तो अगर मान लो सर क्वेश्चन एग्जाम में आया और कार की खरीदने की डेट इसके बीच में नहीं है, तो क्या करें, वही पुरानी रेट लगाना बेटा फिर तो, यानी नॉर्मल कारों पे 15 लगा देना और किराए वाली कारों पे 30 लगा देना। यानी कि आप बहुत यूज़ ध्यान से यूज़ करना, मतलब अंधाधुंध मत यूज़ कर लेना कि भैया 15 की जगह 30 याद कर लूँगा, 30 की जगह 45 याद कर लूँगा। दिमाग से करना, डेट को ध्यान रखना, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर जो गाड़ियाँ खरीदी उनके ऊपर आपको 30 और 45 लगाना है। ठीक है बेटा, तो ये दो अमेंडमेंट हैं जो कि आपको मेनली ध्यान रखने, बाकी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सारे मेनली अमेंडमेंट अपन ने डिस्कस कर लिए हैं ड्यूरिंग द क्लासेस, और आपको किसी अमेंडमेंट में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। यही है इंपॉर्टेंट दो अमेंडमेंट जो अपन को ध्यान रखने थे, जिसमें से भी एक तो मैंने आपको वॉइस मैसेज से बताया था, मेन तो वही है जो ऊपर वाले के लिए मेनली लेक्चर रिकॉर्ड किया गया। अब आता है GST अमेंडमेंट बेटा, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हैं, तो GST अमेंडमेंट का तो लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा 2-4-5 दिनों के अंदर, उसको भी मैं अपलोड करवा दूंगा आपके लिए। जब तक आप इनकम टैक्स की अमेंडमेंट को ध्यान रख लीजिए, और मेनली फर्स्ट अमेंडमेंट पर फोकस करिए कि क्या करना है टैक्स निकालते वक्त, क्योंकि 100% उस अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आएगा, नॉर्मल आएगा, आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसका क्वेश्चन आने से रोक नहीं सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो ओवर करते हैं क्लास को, थैंक यू वेरी मच।